जैसलमेर मार्ग पर टैंकर में आग लग गई है। चोखा गांव के पास हाईवे पर टैंकर में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है, रवाना दरअसल हो चुकी है। इस वक्त बड़ी खबर जोधपुर से आ रही है, जहां पर जैसलमेर मार्ग पर टैंकर में आग लगी है। चोखा गांव के पास यह हादसा हुआ है, टैंकर में भीषण आग लगी है। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम इस वक्त मौके पर रवाना हो चुकी है। मौके के लिए इस वक्त बड़ी खबर मिल रही, जहां पर टैंकर में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आपके सामने, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की टैंकर में, कहा जा रहा है कि भीषण आग लगी थी। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया कि टैंकर में आखिर था क्या, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। और जो दमकल की गाड़ियां हैं वो इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है, आग बुझाने की लगातार जद्दोजहद जारी है। तस्वीरें बिल्कुल आपके सामने हैं, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा टैंकर आग की चपेट में आ गया था। उसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को बुझाया गया। हाईवे पर यह हादसा हुआ, इस वक्त बड़ी खबर जोधपुर से आ रही है, जहां पर टैंकर में भीषण आग लगी है। उसके बाद एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने इस वक्त आपके हैं, जहां पर आग बुझाने की लगातार कोशिश जारी है। चोखा गांव के पास यह हादसा हाईवे पर हुआ है, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, आग बुझाने का सिलसिला लगातार जारी है। जोधपुर से यह बड़ी खबर, और वाकई में तस्वीरें आप देख सकते हैं सामने, जहां पर किस तरीके से आग की लपटों के बाद आग को बुझाने का सिलसिला जारी है। टैंकर में भीषण आग लगी थी और इस भीषण गर्मी के दौरान टैंकर आग की चपेट में आया था। कुछ देर के लिए हाईवे बिल्कुल जाम हो गया था, लेकिन जाम के बाद फिलहाल वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, जिसके बाद आग बुझाने का सिलसिला लगातार जारी है। अरुण हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी है, आग को बुझा लिया गया है, क्या कुछ लदा हुआ था टैंकर में और क्या कुछ इस वक्त अपडेट है? संजय, मैं बताना चाहूंगा, जी न्यूज अपने दर्शकों को दिखा रहा, सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जैसलमेर हाईवे पर जिस तरह से ये तेल का केमिकल का टैंकर है, इसमें आग लगी थी। कैमरामैन शिव को कहूँ वो दिखाए किस तरह से ये आग लगी हुई, ये टैंकर है, और इस टैंकर में जिस तरह से केमिकल भरा हुआ था, गुजरात से ये जैसलमेर की तरफ जा रहा था, तेज तापमान के कारण से आग लगना बताया जा रहा है फिलहाल। लेकिन कह सकते हैं आग जिस टैंकर में लगी उसको बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जो दमकलें आई थी उसमें पानी खत्म होने के कारण से दोबारा पानी लेने गई, इस कारण से आग दोबारा लग चुकी है और अब पुनः आग बुझाने के प्रयास किया जा रहा है। राजीव गांधी थाना पुलिस जो है मौके पर पहुंची हुई है, हाईवे के दोनों तरफ रास्ता जाम किया हुआ है ताकि कोई भी वाहन आवागमन जो है पूरी तरह से रोक दिया, कोई एक्सीडेंट दूसरा नहीं हो जाए आग के कारण से। तो संजय, मैं बता दूं ये जो टैंकर है इसमें केमिकल भरा हुआ था और केमिकल गुजरात से जैसलमेर की तरफ जा रहा था। चोखा बाईपास है, जोधपुर के पास का ये इलाका है, जो रिंग रोड बनी थी हाईकोर्ट के आदेश के बाद, ये चोखा बाईपास वही कहलाता है जो रिंग रोड से जोधपुर होकर जैसलमेर जाता है, उस मार्ग पर यह हादसा हुआ है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ये टैंकर धू धू करके जल रहा है और उसको बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तीन पहले आई थी वो वापिस चली गई, अब एक गाड़ी आई है और दूसरी और गाड़ियां जो आएगी उसके बाद आग को नियंत्रण पाने के प्रयास किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि आग अभी भी टैंकर में जल रही है। संजय, बिल्कुल, लेकिन तस्वीरें आप थोड़ा जूम करके दिखाइए और समझ में आएगी, वाकई में भीषण गर्मी के चलते कहा जा रहा हादसा हुआ है, कोई इसमें जनहानि हुई है? अरुण, संजय मैं बता दूं इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि पिछले चैम्बर में, संजय मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से ये चैम्बर, पिछला जो चैम्बर है उसमें सबसे पहले आग लगी थी और उसमें विस्फोट हुआ था, उससे पहले ड्राइवर उतर के नीचे उतर गया था और खलासी भी उतर गए थे, कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह से ये आग लगी, पिछले हिस्से में लगी थी टैंकर के, उसके बाद ये आगे फैली है, अब इस आग को बुझाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, फायर ब्रिगेड के अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अब देखना ये कितनी देर बाद इस आग पर काबू पाया जा सकेगा। केमिकल फिलहाल टैंकर से बाहर आ रहा है, फायर अधिकारी है, हम उनसे जानते हैं सर किस तरह से लगी थी आग, को सूचना मिली थी आपको? हमें जिस तरह से आग की सूचना मिली गई उसी तरह से हमने कांटेक्ट किया है गाड़ियों को, शास्त्री नगर से एक गाड़ी रवाना हुई है, वासी से हमने दो गाड़ी रवाना की, एक गाड़ी में खुद लेके आया हूँ। आग किस तरह लगी टैंकर में अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। आग में इस टैंकर में क्या है? टैंकर में अभी तो केमिकल की सूचना मिली, अभी इसमें केमिकल हो सकता है, अभी इसमें कोई भी ब्लास्ट में हो नहीं पाएगा इसके अंदर, क्योंकि अभी आप बिल्कुल तरह से कंट्रोल कर ली, इसके ओनली फॉर टायर ही जले हैं अभी। आग अभी भी जिस तरह से लग रही है, जिस तरह से आप फॉग डाल के बुझा, फॉर्म डाल के बुझा रहे हैं? हाँ जी। और क्या क्या डाल रहे केमिकल बुझा? नहीं, ओनली फॉर फॉर्म, बिल्कुल फॉर्म सिस्टम से बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, जैसे भी आप देख रहे हैं भी आग कैसे कंट्रोल हो पा रही है। ये फॉर्म डालकर आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। संजय मैं बता दूं जिस तरह से फायर अधिकारी खुद गाड़ी चला के लाए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इमरजेंसी की सूचना मिलते ही किस तरह से फायर ब्रिगेड है जो काम करती है। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं पिछले के सारे टैंकर के टायर फूट चुके, आगे के टायर फूट चुके, सिर्फ दो टायर पर ये खड़ा है, लेकिन आग अभी भी लगी हुई है जिसको बुझाने के प्रयास जारी है। संजय,
क्योंकि हाईवे है अरुण, जिस तरीके से देखा जा सकता है कि आगे पीछे लगातार दूर तक गाड़ियां रोक दी गई हैं और साफ तौर पर उस इलाके में किसी को जाने के लिए परमिशन नहीं दी जा रही जहां पर ये धमाके के साथ आग लगी थी। तस्वीरों को एक बार दिखाइए और क्या कुछ कब तक आग को बुझा लिया जाएगा, कब तक यहां पर फिर से यातायात सुचारू रूप से चलेगा? संजय मैं बताना चाहूँगा, ये आग करीब मुझे जो लगता है करीब आधा से पौन घंटा अभी और लगने की संभावना है, लेकिन पूरी तसल्ली के बाद जब प्रशासन पूरा इसको चेक कर लेगा, हाँ पूरा टैंकर है जो आग से बचा लिया गया या जो आग लगी हुई थी उसको बुझा लिया गया, उसके बाद आवागमन खोला जाएगा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि आग बुझाने के प्रयास फॉर्म के द्वारा किया जा रहा, क्योंकि केमिकल है, केमिकल के कारण से ज़्यादा आग नहीं फैले, विस्फोट नहीं हो, तो पहले उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं कैमरामैन शिव को कहूँगा वो जूम करके दिखाए किस तरह से केमिकल बाहर निकल कर आ रहा है फॉर्म के बीच में। आप देखिए ऊपर की जो टैंकर की ऊपर की छत है वहाँ से नीचे आ रहा है फॉर्म, ये केमिकल बाहर आ रहा है टैंकर से, तो कह सकते हैं अभी जो टैंकर में जो केमिकल है वो बॉइल हो रहा है और वो बाहर आ रहा है, तो उसको नियंत्रण करना सबसे पहले जिम्मेवारी होगी फायर ब्रिगेड की, और इसके साथ फायर ब्रिगेड ये प्रयास भी कर रहा है। संजय, अरुण जो ड्राइवर था क्या उससे बातचीत हो पाई है, क्या कुछ लदा है, चूंकि अगर कोई ऐसा ज्वलनशील पदार्थ होगा तो और खतरा बढ़ जाएगा, मुश्किल होगी? संजय मैं बताना चाहूँगा ड्राइवर से अभी बात नहीं हुई है, ड्राइवर चूंकि घटना होते ही तुरंत उसने पुलिस को सूचना दी थी 100 नंबर पर, उसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना पहुंची है और इसी के साथ साथ तमाम पुलिस के आला अधिकारी है वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। ऐसा नहीं है प्रशासन तुरंत पहुंचा है, आग बुझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अब ये आग कितनी देर जलेगी क्योंकि केमिकल है और केमिकल में कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, कोई भी अधिकारी हो या कोई भी ये फायर ब्रिगेड के, पहले इनको पूरा नियंत्रण करना पहले जिम्मेवारी है, उसके बाद कारणों का पता लगाया जाएगा। लेकिन प्रारंभिक जो जानकारी सामने आ रही है वो तापमान में बढ़ोतरी के कारण टायरों में जो गर्मी हुई थी उसके बाद में ये आग लगी है, तो कह सकते हैं गर्मी के कारण से ये आशा हुआ, लेकिन अब ये सारी जांच के बाद ही सामने होगा संजय किस तरह से आग लगी थी। बिल्कुल अरुण, शुक्रिया इसमें तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें बिल्कुल देखिए, आप फॉर्म डालकर लगातार आग को बुझाने का सिलसिला जारी है, लेकिन कहा जा रहा है कि केमिकल है जिसकी वजह से बार बार आग धधक रही है, अंदर से बाहर आग आ रही है जिसको बुझाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। दो तस्वीरें आपके सामने जब आग जल रही थी और